आज जैसा कि देखा गया, भारी जनसंख्या के साथ, भारी जनसैलाब के साथ झांसी में राजनाथ सिंह की जन विश्वास यात्रा व जनसभा संपन्न हुई है। हमारे साथ कुछ लोग यहां मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे और जानेंगे कैसा इन्हें लगा यात्रा में आकर। क्या लगता है कि 2022 में सरकार बन पाएगी या नहीं? बिल्कुल बनेगी 2022 में सरकार। आज जो यात्रा की शुरुआत की माननीय रक्षा मंत्री जी ने, उससे जो जन विश्वास यात्रा, इससे महसूस होता है कि एक बार पुनः भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी 2022 में फिर से सरकार बनाएगी। बुंदेलखंड के मुद्दों पर अगर बात करें तो बुंदेलखंड के मुद्दों पर राजनाथ सिंह जी क्या बोल के गए आज? कुछ खास? बिल्कुल बोल के गए हैं। उन्होंने जो कॉरिडोर का उद्घाटन किया माननीय प्रधानमंत्री जी ने 19 तारीख में, तो उसके बारे में उन्होंने बताया है कि बुंदेलखंड की धरती पर वो टैंकों का निर्माण होगा जो भारत की सुरक्षा में अहम भूमिका निभाएंगे। भारत माता की। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही जोश है। बाल चोरी करवा गया झांसी में। अच्छा। इसमें काफी जनता को नुकसान हुआ है। कौन आया? अखिलेश यादव। नहीं नहीं, पहले क्या बोला था? टोटी चोर आया। चलिए, लाखों के मोबाइल चुरा के ले गया। हमें लगता है कि अब इनकी आने की संभावना नहीं है। हमारी बीजेपी सरकार 300 प्लस ऊपर पार करके जाएगी। जय श्री राम। हैं भारतीय जनता पार्टी के, आप इस जनसभा में उपस्थित हुए, क्या नाम है? शिवम अग्रवाल, बरुआ सागर मंडल से, महामंत्री के पद पर। राजनाथ सिंह जी आज आए, पूरी जनसभा को संबोधित किया, क्या कुछ खास रहा ये बताइए? जो लोगों में विश्वास देखा गया, जो इतनी जनसंख्या में लोग आए हैं, इतनी जनता आई है कि जनता समा नहीं रही है, इससे पता चलता है कि 2022 में एक बार पुनः 300 प्लस सीटें जीतकर माननीय योगी जी इस प्रदेश का नेतृत्व करेंगे और लोगों में बड़ा उत्साह के साथ 300 प्लस की सीट आएगी। अगर जनसभा की बात करें, जनसैलाब की बात करें, झांसी में अभी कुछ दिन पहले तो अखिलेश यादव भी आए थे, उनकी भी जनसभा में इतनी भीड़ थी, अब यहाँ भी भीड़ है। भीड़ का क्या है, मतलब भीड़ से क्या जीत जाएगी सरकार, हो बन जाएगी? ये सबको पता है कि उनकी जनसंख्या कैसी रहती है, किस प्रकार से लोग आते हैं, उनके जो भाड़े के टट्टू हैं वो इस जनसभा में आते हैं और यहाँ जो बुलाए, जो जनता आती है वो अपने खुद विश्वास के साथ आती है कि हमें 2022 में एक बार फिर योगी जी को लाना। क्या कहना चाह रहे हैं, मतलब आपकी जनता सही है, उनकी जनता भाड़े की है, क्या कहेंगे? नहीं, ये तो जनता आपको देख के पता चल गया होगा, जो आज ने आप जनसैलाब देखा होगा कि ये जनता कैसी आई है और कैसे इस प्रांगण में उपस्थित हुई है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।